आज हम बात करेंगे गलाघोंटू रोग जो जानवरों में होता है। इसका दूसरा नाम घुड़का, कई जगह और अन्य नामों से इसको जाना जाता है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि यह रोग आमतौर बरसात के मौसम में या बरसात के मौसम में मानसून के आगमन पर यह रोग पशुओं में देखा जाता है। इसमें पशुओं में जो गाय और भैंस है उनमें अधिक मात्रा में इसको देखा जाता है। अब इसकी बात कर लेते हैं इसमें जो लक्षण हैं इसके लक्षण क्या होते हैं कि जानवरों को तेज़ बुखार आएगा लगभग जैसे 160 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और उसके लक्षण के आंखें लाल हो जाती हैं इसमें, और इसमें पशु लार डालने लगते हैं तथा हाथों पैरों में सूजन आ जाती है। यह इसके आम लक्षण होते हैं। इस बीमारी के कारण जानवर एक या दो दिन में अकाल मौत भी हो जाती है। इसे रोकथाम करने के लिए सरकार की तरफ से वैक्सीन उपलब्ध हैं जो मानसून आने से पहले या बरसात का मौसम आने से पहले ही लगा दी जानी चाहिए। वेटरनरी डॉक्टर से जाके लगवा देनी चाहिए। इसमें एक वैक्सीन है, इसमें हेमोजेजिक सेप्टिमा वैक्सीन। यह गलाघोंटू या घुड़का के रोग गोरखा रोग के लिए उपयोग की जाती है। इसको वेटरनरी डॉक्टर की सलाह पर आपको पशुओं में लगवा देना चाहिए, क्योंकि मानसून आने से पहले ही इस वैक्सीन का प्रयोग कर लेना चाहिए। ये थी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें।